सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैप्टर के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि इसका कंसेप्ट क्या है। विभिन्न डिफिनीशन के द्वारा हम लोगों ने इसको जाना था, साथ में इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा की थी, और फिर हम आ गए थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, यानी कि संप्रेषण के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि संप्रेषण जो है मुख्यतः दो प्रकार का है ना, यानी कि शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने इसके दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, यानी कि नंबर एक मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, और नंबर दो लिखित संप्रेषण, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो बच्चों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसके दूसरे मुख्य प्रकार को लेंगे, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता होगा, है ना, वर्बल नहीं, यानी कि नॉन वर्बल, जिसमें कि शब्दों का किसी प्रकार के प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगर शब्दों का ही प्रयोग होना है भाषा का, तो फिर वो शाब्दिक हो गया ना। तो अशाब्दिक संप्रेषण वो संप्रेषण होते हैं जिनमें शब्दों भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ये जो हमारे अशाब्दिक संप्रेषण है, ये मुख्यतः चार प्रकार का होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर वन है वाणी संप्रेषण, नंबर दो है चक्षु संपर्क, नंबर तीन मुख मुद्राएं, और नंबर चार पे है स्पर्श संपर्क, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं वाणी संप्रेषण की। तो बच्चों, आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि वाणी संप्रेषण, अगर वाणी है तब तो ये शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन नहीं, वाणी संप्रेषण वो संप्रेषण के अंतर्गत वो चीज़ है जिसके अंतर्गत संप्रेषण के दौरान हाँ, हूँ, है ना, नहीं, इस तरह का जो है ना, या बहुत तेज़ी से जैसे बकअप करना, आवाज़ निकालना, है ना, चीखना, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो वाणी संप्रेषण जो है इस तरह से, जैसे कि हम आप देखते होंगे कि कोई मतलब कोई किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन कर रहा है या कुछ चीज़ कर रहा है, तो बीच में इसको बकअप करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम आपकी तरफ प्रॉपर अटेंशन पे कर रहे हैं, हम लोग हाँ, हूँ, ही करके सर्वर हिलाते रहते हैं, उस तरह की जितनी भी अभिव्यक्ति होती हैं वो हमारी सभी वाणी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं चक्षु संपर्क। चक्षु संपर्क यानी कि हम अपने डेली जीवन में बड़े नॉर्मल मतलब कॉमन वर्ड में यूज, कॉमन वर्ड की तरह इसको यूज़ करते हैं कि भाई आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो चक्षु संपर्क जो है हमारा, यानी कि आई कांटेक्ट क्या है, ये अशाब्दिक संप्रेषण का एक बहुत मुख्य प्रकार है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि हम सामने वाले की या शिक्षक अपने शिक्षार्थी के मनोभावों को, अंतर्मन को, आंतरिक भावनाओं को भाप लेता है, यानी कि समझ जाता है, ठीक। तो अब क्या है कि हम ये बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम जिसे हम लोग क्लास में होते हैं ना, क्लास शिक्षक क्लास ले रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि जैसे कि हम जो प्रकरण पढ़ा रहे हो, तो इस प्रकरण के साथ किसी ना किसी रो की तरफ हमारा आई कांटेक्ट बराबर चलता रहता है पूरे क्लास में। हालांकि शिक्षक का तो आई कांटेक्ट पूरे क्लास से होता है, लेकिन एट ए टाइम किसी किसी एक विशेष जगह पर ही वो टिक जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि हम उस जगह, उस समय, वो जिस भी जगह से हम आई कांटेक्ट करने होते हैं, उनकी सभी भावनाओं को, है ना, उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, हम लोग समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, ठीक। प्रायः क्लास में ऐसा भी होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो आगे की सीट पे बच्चे बैठे होते हैं, उनसे आई कांटेक्ट मतलब जाने अनजाने ज़्यादा हो ही जाता है ना। तो इससे ये भी होता है कि वो बच्चे, वो जिनसे होता है, वो बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं क्लास में, है ना, और ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं टीचर के प्रति और या प्रकरण के प्रति, है ना। तो चक्षु संपर्क से हम आई कांटेक्ट करके हम बालक के मनस्थिति को जान लेते हैं,
हम ये समझ लेते हैं कि वो आज बच्चा बहुत खुश नहीं है या बहुत उतना दुखी नहीं है या बहुत निश्चिंत नहीं लग रहा है, कोई ना कोई इस तरह की जो भी होती हैं मनस्थिति, उसको हम चक्षु संपर्क के द्वारा समझ लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मुख्य मुद्राओं की, यानी हमारी फेस एक्सप्रेशंस, जो कि अशाब्दिक संप्रेषण के बहुत ही जो है मजबूत और शक्तिशाली प्रकार है। कैसे कि जो हमारा जो हमारे भाव भंगिमाएँ होती हैं यानी मुख्य मुद्राएँ होती हैं, वो बहुत कुछ कह जाती हैं बिना शब्दों के, है ना। कैसे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हम जब क्लास में होते हैं तो बच्चे की मुख मुद्रा से हम ये जान लेते हैं कि किस तरह के भाव उसके मन में इस समय उठ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा बहुत शांत है ना, जितना वो डेली के क्लास में नहीं होता है, कुछ शांत है और कुछ उसके चेहरे पे जो है वो थोड़ा सा अनमना सा है, तो हम ये जान जाते हैं कि बच्चा आज कहीं चिंता में लिप्त है ना, इसको किसी चीज़ की चिंता है, ये निश्चिंत भाव से आज क्लास में नहीं बैठा है, ठीक है। तो फिर हम भाई इससे कारण भी पूछ लेते हैं कि क्या बात है, आज तुम बहुत सुस्त हो, तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है ना, तो हम जानने का प्रयास भी कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी हमारा है, उसके चेहरे पे बराबर मुस्कान के भाव आ रहे हैं, है ना, वो बराबर स्माइल कर रहा है, वो जाने अनजाने वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन क्या है, हम ये समझ जा रहे हैं कि उसके अंदर आज कोई प्रसन्नता के भाव उमड़ रहे हैं, जो कि उसके चेहरे पर परलक्षित हो रहे हो। सकता है उस पर्टिकुलर बच्चे कोई बात ना बता हो रही हो कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव, स्माइलिंग हमारा फेस हो रहा है, लेकिन जो है सामने वाला व्यक्ति उसको देख के समझ लेता, भांप लेता है कि व्यक्ति आज खुश है, तो उससे पूछना पड़ता भी है, पूछा जाता है ना बच्चों, हम लोग इससे क्लास में आप लोग के साथ ऐसा करते हैं ना कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो भाई, आज तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई बात हो तो बताओ, हम लोग को भी है ना, हम लोग भी प्रसन्न हो जाए। इस तरह की बातें हम लोग किया करते हैं, किसको देख करके, आपकी मुख मुद्राओं को देख करके, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, अगर किसी के बच्चे के मन में क्रोध का भाव आ रहा है तो वो भी हमें दृष्टिगोचर हो जाता है। कैसे कि जो उसकी मुख मुद्राएं होती हैं, भौंहें कुछ तनी सी होती हैं, कुछ चेहरे पे लकीरें जैसे कि हो जाती हैं ना, जब आप टेंशन में क्रोध में होते हैं, आपके चेहरे का वो ग्लो चला जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आप आए हो घर से महाविद्यालय, इस बीच कोई ऐसी बात हुई जिससे आप क्रोधित हुए होंगे, है ना, तो क्रोध के भाव आ जाते हैं, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसी के साथ जो भी जितने भी तरह के हमारे भाव हैं, जो भी हमारे संवेग हैं, सीधे से संवेग से रिलेटेड है ना, इसी तरह से मान लीजिए घृणा के भाव हैं, वो भी हमें चेहरे से पता लग जाते हैं। जैसे ही मान लीजिए आप लोग कोई दो फ्रेंड्स हैं, आप में कोई अनबन हो गई, वैसे हो ना भगवान करे, लेकिन सपोज अगर हो गई तो क्या होगा, है ना, कि जैसे आप क्या करेंगे, आपकी मुख मुद्राएं कुछ अलग, आप उसे अलग से अजीब से टेढ़े से निगाह से देखेंगे, है ना, ऐसे थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन उसके पर अच्छा नहीं देंगे, थोड़ा ऐसे खिसक जाएंगे, है ना, उसके थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, हमें ये समझ में आता है कि बगल वाले से कुछ आपकी आज खटपट चल रही है, कुछ अनबन हो गई है। तो ये जो मुख मुद्राएं हैं, ये बहुत कुछ सारा कुछ हालचाल आपका बता देती हैं बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए, है ना बच्चों, है ना, समझ में आ रही बात। अब हम इसके लास्ट प्रकार के बारे में आते हैं, स्पर्श संपर्क। तो स्पर्श संपर्क जो है ये भी बहुत प्रभावशाली जो है प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण का, क्योंकि इसके द्वारा भी हमें अंतर मन में चल रहे भावों का अनुमान लग जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि जैसे कि आपसे कोई हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये दोस्ती का है, प्यार का हाथ है, या घृणा का हाथ है, दुश्मनी का हाथ है, क्योंकि जब एक प्यार का हाथ होता है तो उसको मिलाने का तरीका शेक का अलग होता है। कोई आपसे हाथ मिला रहा है मजबूरी में और आपसे उसको कोई लगाव नहीं है, आपसे दुश्मनी है, तो बहुत तेज से जैसे हैंडशेक होगा, है ना, और तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्पर्श से भी हमें पता लग जाता है, अनुमान लग जाता है। इसके साथ ही सबसे बढ़िया उदाहरण है, देखिए एक माँ का स्पर्श, है ना, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, बहुत रोता है चाहे, है ना, लेकिन अगर वो उसकी माँ का स्पर्श उसको अपनी माँ का मिल जाता है, उसकी माँ उसके हाथ मतलब उसके ऊपर, है ना, उसके सर पे दो तीन बार हाथ फेर देती हैं, तो वो जो स्पर्श होता है उससे उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वो संतुष्ट होकर चुप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो स्पर्श है ये बहुत प्रभावशाली होता है और ये जो है काफ़ी कारगर काम कर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए जो है माता पिता का, है ना, स्पर्श आशीर्वाद के रूप में,
ठीक है। इसी प्रकार से भाई बहन का आपस में स्पर्श, जैसे आप जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार करते हैं, बहन टीका करती, स्पर्श करती माथे पे, तो वो एक भाई बहन का जो स्नेह है ना, वो सभी परिलक्षित होता है। तो मुँह से कुछ भी कहने की बात यहाँ पे शब्दों की नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने ये आज की क्लास में देखा कि जो अशाब्दिक संप्रेषण है ये किस तरीके से काम करता है, ये जो है संप्रेषण का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, भेद है, ठीक है। इसको हम लोगों ने चार प्रकारों से देखा। तो बच्चों हम ये आशा करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जो कुछ पढ़ा, उनके प्रकारों के बारे में उदाहरणों के द्वारा जो कुछ भी जाना, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको ये मैटर पुनः क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम अपने आगे के बिंदु को लेंगे। धन्यवाद।